अब हम लोग लिंक लिस्ट में कोई भी पोजीशन पर डिलीट करना सीखेंगे। ये देखिए, एक लिंक लिस्ट बना हुआ है और उस पर डिलीट करना सीखेंगे। तो उसके लिए एक हम लोग मेथड बनाएंगे, और मेथड का कोई भी नाम हो सकता है। और उसके बाद हम लोग दो ठो एथी नोड टाइप का पॉइंटर बनाएंगे। नोड टाइप का क्यों बनाएंगे, इससे पहले वाले वीडियो में बताए हैं, क्योंकि हम लोग जो क्लास बनाए थे नोड बनाने के लिए, उसका नाम नोड ही रखे थे। तो दो ठो हम लोग टेम्प्रोरी वेरिएबल बनाएंगे जो कि नोड टाइप का होगा। यहाँ पर देखिए, दो ठो यहाँ पर नोड टाइप का टेम्प्रोरी वेरिएबल बनाया है। इसका एक का नाम टेम्प दिए हैं, एक का नाम सी ओ डब्ल आर दिए हैं। ठीक है, तो नोड टेम्प इक्वल टू हेड किए हैं, तो मतलब जो टेम्प्रोरी वेरिएबल बनाया है वो हेड वाले के बराबर हो जाए। जो हेड होता है लिंक लिस्ट में पहला एलिमेंट के एड्रेस को होल्ड करता है, यानी कि हेड और टेम्प दोनों एक ही एलिमेंट के एड्रेस को अभी होल्ड कर रहा है। नोड करंट इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट कर रहा है, मतलब कि ये जो जो टेम्प है, ये जो टेम्प है इसको होल्ड कर रहा है, यानी इस वाले एलिमेंट को। तो जो करंट है, जो ये टेम्प है, टेम्प के नेक्स्ट यानी कि ए वाला एड्रेस जो है, ए वाला एड्रेस को होल्ड कर रहा है, यानी ए वाला एलिमेंट को वो पॉइंट कर रहा है। समझ गए, इसके पहले वाला वीडियो में भी बताए थे। तो ये तो क्या हुआ कि टेम्प, क्या हुआ कि टेम्प अभी इस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है और करंट इस पॉइंट को कर रहा है, क्योंकि इसका एड्रेस, जिसका भी नोड में जिसका एड्रेस रहेगा तो उस एलिमेंट को होल्ड करता है। तो इसके बाद हम लोग एक क्या करेंगे, मैसेज प्रिंट करेंगे कि इंटर पोजिशन, यूजर से कि यूजर से ही मांगे किस पोजिशन पर इंटर कराना है। ठीक है, यूजर ये पोजिशन देगा, तो पोजिशन मान लीजिए हमको फोर्थ पोजिशन पर चलाना है। ठीक है, तो एक वेरिएबल बनाएंगे पोजिशन में और यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो बेसिक चीज है कैसे लिया जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा पोजीशन में 4। अब यहाँ पे कंडीशन लाएंगे, इफ पोजीशन इक्वल टू 1, अगर पोजीशन में कोई डाल दिया अगर 1, मान लीजिए बाय द वे अभी तो हम लोग 4 ले लिए, अगर कोई यूजर डाल दिया 1 तब क्या होगा। तो 1 हो तो डिलीट बिगनिंग नाम का एक फंक्शन हम लोग बनाए थे, मेथड बनाए थे, जो कि शुरुआत जो एलिमेंट रहता है वो इसको डिलीट करे। तो वो वाला मेथड को कॉल कर देंगे तो वो उसका काम कर लेगा। एल्स अगर अब देखेंगे कि ये 4 नंबर पर डिलीट करना है, तो एक फोर लूप लगाएंगे और 1 से चलाएंगे। और कहाँ तक चलाएंगे, पोजीशन -1 यानी 4 तक हमको चौथे पोजीशन का एलिमेंट को हटाना है, तो हमको 3 ही तक जाना पड़ेगा। तो 4 -1 3, मतलब 3 ही तक जाना है और हमको हटाना इसको है। फिर इसके बाद आई प्लस प्लस करेंगे, ये अपना बढ़ते जाएगा। तो ये फोर लूप देखिए पहला बार चलेगा, पहला बार जब चलेगा तो टेम्प क्या कर रहा है कि इस वाले एलिमेंट को होल्ड कर रहा है और करंट इस वाले एलिमेंट को होल्ड कर रहा है। तो पहला बार जब चलेगा तो टेम्प इक्वल टू करंट हो जाए, यानी कि जो टेम्प अभी 1000 जो इसको पॉइंट कर रहा है और करंट इसको, तो टेम्प इक्वल टू करंट करेंगे तो करंट जो 3000 का पॉइंट कर रहा है, तो टेम्प के अंदर अभी 3000 आ जाएगा। तो अब ए वाला एलिमेंट जो है कि इसको पॉइंट कर रहा है 3000 को, और करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, मतलब जो अभी करंट था करंट के जो जो है उसके नेक्स्ट, जो नेक्स्ट में क्या था 5000, तो इस वाले एलिमेंट को ए पॉइंट कर लाएगा, यानी कि ए वाला एलिमेंट इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो एड्रेस है वो इस ए वाले एलिमेंट का है, यानी कि जिसके अंदर जिसका एड्रेस रहता है तो उस एलिमेंट को पॉइंट कर लगता है। तो टेम्प क्या किया कि टेम्प अभी इसको पॉइंट कर रहा था, तो टेम्प इक्वल टू करंट किया तो अब इसको पॉइंट कर लगा, और करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट किया तो करंट करंट के नेक्स्ट में 5000 है तो ये इसको पॉइंट कर लगा। फिर ये आई प्लस प्लस होगा, ये बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा तो ये 2 हो जाएगा। अभी देखिए इसमें था टेम्प में 3000 था और करंट में 5000 था, तो क्या होगा कि टेम्प के अंदर क्या हो जाएगा कि अभी टेम्प के अंदर आ जाएगा 5000। ठीक है, और करंट में आ जाएगा ये 7000। तो टेम्प अभी 5000 को पॉइंट करने लगा और इसको, और ये वाला जो करंट है इसको पॉइंट करने लगा। फिर इसके बाद ये बढ़ेगा तो ये 3 हो जाएगा, तो आई इक्वल टू 3, तो आई लेस देन पोजिशन -1, मतलब आई लेस देन 3 है तो नहीं पे, ये कंडीशन नहीं ट्रू हुआ, तो ये यहाँ से इधर इसके अंदर का कोड नहीं चलेगा। और इस बार टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट कर देना, यानी कि अभी हमारा टेम्प यहाँ पे आके रुका था, मतलब कि टेम्प के नेक्स्ट, टेम्प के जो नेक्स्ट यानी इस वाले पार्ट में क्या करना है कि जो करंट हमारा एलिमेंट है, तो करंट ये देखिए टेम्प यहाँ पे है, करंट यहाँ पे है, तो टेम्प के नेक्स्ट, टेम्प के नेक्स्ट यानी इसमें, और टेम्प के नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट,
करंट कनेक्शन में देखे 9000, यानी कि इसका इस वाले एलिमेंट का एड्रेस देखे इसका 9000 था, नेक्स्ट वाले को यहाँ पर आता तो यहाँ पर ऊपर 9000 लिखना भूल गए हैं। तो इस क्या होगा, टेम डॉट नेक्स्ट, टेम कनेक्ट में इसके नेक्स्ट में करंट कनेक्ट, यानी कि करंट कनेक्ट ए है तो इसका एड्रेस इसमें डाल देना है। तो क्या होगा कि टेम्प कनेक्ट से यहाँ पे देखिए टेम्प कनेक्ट में क्या हो जाएगा, करंट कनेक्ट डालेंगे तो यहाँ पे 9000 था, देखिए करंट कनेक्ट 9000 था, तो इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठा के यहाँ डाल देंगे तो यहाँ से लिंक टूट जाएगा। और अब इसको क्या होगा कि इसको नहीं पॉइंट करेगा, 7 के बाद 9000 हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ से तीछे इसको पॉइंट कर लेगा, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वाले में जिसका एड्रेस रहता है उसी को पॉइंट करता है। यहाँ पे देखिए 7000 है तो इस वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था, अब 9000 हो जाएगा तो 9000 देखिए इसका था तो अब डायरेक्ट इसको पॉइंट कर लाएगा। चलिए कोड में देखते हैं, अभी देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे पब्लिक वॉइड डिलीट एनी के नाम से, और दो ठो हम लोग क्या करेंगे वेरिएबल बनाएंगे नोड टेम्प इक्वल टू हेड करेंगे, और एक और वेरिएबल बनाएंगे करंट के नाम से, CUR के नाम से बना देता हूँ, करंट हेड डॉट नेक्स्ट इसमें कर देंगे। इसके बाद ये सब कोड के बारे में डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक मैसेज शो करेंगे, यूजर से डाटा लेंगे, तो इंटर पोजिशन, ठीक है, पोजिशन पोजिशन, और एसी यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे इंट पोजिशन के नाम से, पोजिशन, ठीक है, इंट पोजिशन इक्वल टू SC.next int कर देंगे, नेक्स्ट INT। अभी देखिए रेड इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग इसका ऑब्जेक्ट अभी मतलब स्कैनर के थ्रू लेते हैं, तो हम लोग इससे पहले वाले कोड में हम लोग बनाए थे पर एक फंक्शन के अंदर बनाए थे, तो इसलिए देखिए इस वाले फंक्शन के अंदर, तो उसमें बार बार फंक्शन के अंदर बनाने से अच्छा है ये वाला कोड को कट कर लेता हूँ, हम लोग को कमे कोड में काम हो जाएगा। और क्या पे यहाँ पे अगर मैं बना दूँ पेस्ट कर दूं तो ये देखिए एरर से यहाँ से गायब हो जाएगा, क्या नाम से SC था, SC क्या कैपिटल कर दिए हैं, क्या कैपिटल SC है, तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख देंगे। ये तो इनपुट आउटपुट वाला ये तो बेसिक चीज है, ठीक है। एससी डॉट नेक्स्ट इंट करता हूँ, नेक्स्ट इंट, अब सेमी कोलन दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इफ कंडीशन लाएंगे, इफ पोजीशन इक्वल टू 1, अगर पोजीशन हमारा 1 होता है तो हमारा डिलीट बिगिनिंग नाम का फंक्शन चला दो, ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं। अगर इससे ज्यादा होता है तो यहाँ पर लगाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर फोर लूप लगाते हैं, फोर, और कहाँ से एक से शुरू करेंगे, इंट आई इक्वल टू 1 और आई लेस देन पोजिशन -1, मतलब कि जहां तक पोजिशन रहेगा उससे एक कम तक चलाना है, फिर आई प्लस प्लस कर देना है, ठीक है, और टेम्प इक्वल टू कर देना है, करंट करना है, ठीक है, और करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट कर देना है, एक एक बढ़ते जाएगा। फिर उसके बाद टेम्प डॉट नेक्स्ट में इक्वल टू करेंट डॉट नेक्स्ट का वैल्यू पास कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद इसके मेथड को हम लोग कॉल करेंगे, यहाँ से क्या करता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक इसको अभी हटा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैंने हटाया, तो इसको मैं रन करता हूँ, तभी 10 20 30 40 आएगा, देखिए 10 20 30 40 आया, या स्टार इसके वजह से आया। तो अब उसको कॉल करते हैं, एल डॉट डिलीट, क्या था डिलीट, क्या नाम था फंक्शन का नाम, डिलीट एनी के नाम से था, डेल एनी, डेल एनी के नाम से। अब इसके बाद उसको डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करेंगे जिससे हमको दिखे, DIS के नाम से हम लोग दिए थे। अब इसको मैं रन करूंगा, ठीक है, जैसे ही रन करेंगे तो पहले वाला तो 10 20 30 40 आउटपुट मांगेगा, और यहाँ से पोजिशन मांगेगा, तो मैं पोजिशन अगर मैं 3 दूँ तो ये थर्ड वाले पोजीशन यानी 30 को उड़ा देगा, 10 20 40 हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर मैं फिर से रन करूं और पोजीशन में 1 दूं तो फर्स्ट वाले पोजीशन को उड़ा देगा, देखिए 20 30 40। तो यही कोड है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब कर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।